हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 8 जून को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा और इस बार की इसकी थीम रखी गई है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। तो ये थीम आप याद रख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 जून। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है? तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंक जारी की है, वर्ल्ड की नहीं। तो आप इतना यहाँ पे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये, और इसमें जो पहले दो नंबर पर रही हैं वो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ रही हैं। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है उसको पहली रैंकिंग दी गई है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है इसको दूसरी रैंकिंग दी गई है। तो ये दो जो टॉप पर यूनिवर्सिटीज़ हैं ये चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, इसको 36वीं रैंक दी गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलोर। तो इसको 36वीं रैंक मिली है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंघुआ यूनिवर्सिटी को पहली रैंक दी गई है द टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? तो फ्रेंड, जो कोविड-19 महामारी इस समय फैली हुई है, आप सभी जानते हैं, इसका मैनेजमेंट सबसे अच्छा किस राज्य ने किया है, उस पर आधारित था ये सूचकांक और उसमें टॉप पर रहा है राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो राजस्थान की बात आई, आइए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल इसमें कलराज मिश्र हैं। और कुछ योजनाएं देख लेते हैं। स्वास्थ्य मित्र का अपॉइंटमेंट राजस्थान ने किया था। स्माइली लर्निंग ऐप या स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान में लॉन्च किया गया था। कुछ नेशनल पार्क जान लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सारिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और एक पक्षी विहार है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो आप इतना याद रख सकते हैं राजस्थान के बारे में। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये डेली वीडियोस देखेंगे तो जो भी राज्य आते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशंस आता है तो उसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड MD किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त हुए हैं वीरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट फॉर पीस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट फॉर पीस। इसका हाल ही में गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है M. Netra को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअली हाल ही में इन्होंने अपनी सेविंग्स 5 लाख रुपए के लगभग जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर खर्च की गई, उनके खाने के लिए और उनको घर भेजने के लिए खर्च किया गया है, इसलिए ये यूनाइटेड नेशन के व्यू में आ गई और इनको नियुक्त कर दिया गया है UNADP का गुडविल एम्बेसडर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण आपदा से बचने के लिए मेघ संदेश ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक की बात आई है, आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल बज्जूभाई बाला हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट शुरू किया गया था कोविड-19 से बचने के लिए या कोविड-19 पर खर्च करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले ही। और सिरसा सुपारी इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले भी कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि सिरसा सुपारी को कहाँ के लिए GI टैग दिया गया, तो सिरसा सुपारी संबंधित है कर्नाटक से। आइए जान लेते हैं कुछ नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक से संबंधित है, तो आप ये याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित SUMERU यानी सुमेरु पैक्स क्या है? तो फ्रेंड्स, सुमेरु पैक्स है DRDO के द्वारा विकसित की गई एक PPE किट। PPE किट आप जानते हैं आज इस समय काफ़ी चर्चा में है कोविड-19 के चलते, डॉक्टर्स या फिर जो भी कोविड-19 मरीजों से संबंधित लोग हैं वो इसको पहनते हैं इस वायरस से बचने के लिए। तो PPE जब किट पहनते हैं तो पसीना काफ़ी आता है और उससे डॉक्टर्स को भी बीमारी लगती है, तो उससे बचने के लिए पसीना रहित एक PPE किट विकसित की गई जिसका नाम रखा गया है सुमेरु पैक्स। ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा। तो बात DRDO की आई है तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस समय जो हेड है वो जी सतीश रेड्डी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगर पूछा जाए आपसे इसकी टैगलाइन क्या है तो बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसकी टैगलाइन है। तो फिलहाल ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पीपीई किट है सुमेरु पैक्स जो कि डीआरडीओ ने विकसित की है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के करंट अफेयर्स, आज से हम लोग अभ्यास प्रश्न को भी देखेंगे। एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 तक 750 बाघों की मृत्यु हुई है, वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है। आप चाहें तो इससे संबंधित और भी फैक्ट जो आपको पता हो वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिख देंगे एक बार तो आपको याद रहती है चीजें। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।